नमस्कार, आप देख रहे हैं सिन न्यूज। लोगों में मेटावर्स को लेकर बहुत समय से उत्सुकता थी। अब इसका एक उदाहरण सामने आया है। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जिसमें बनने वाली किसी भी चीज को देखकर और उसके इस्तेमाल को जानकर हर कोई सोचता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसी शादी को इमेजिन किया है जिसमें ना दूल्हा हो, ना दुल्हन, ना कोई मेहमान और ना ही कोई बैंड बाजा बारात। आज हम एक ऐसी ही शादी का जिक्र करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि शादी में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने पैसे लगे, गेस्ट के लिए क्या क्या अरेंजमेंट थी और भी बहुत कुछ। आपको ये सारी जानकारी बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाली लगेगी। 6 फरवरी को भारत में पहली बार एक वर्चुअल शादी हुई है जो मेटावर्स नाम के एक वर्चुअल वर्ल्ड में आयोजित की गई। मेटावर्स टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें यूजर्स डिजिटली थे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शादी में आप अपना खुद एक अवतार यानी कि लुक क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड शादी में ऑग्यूमेंट रियलिटी यानी AR, ब्लॉकचेन और वर्चुअल रियलिटी यानी VR डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। इस टेक्नोलॉजी के साथ पहली बार भारत में इंडियन शादी हुई। अब आपको इस कपल के बारे में बता देते हैं। ये कपल तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इसमें दूल्हे का नाम दिनेश क्षत्रियन है और दुल्हन का नाम जनगण नंदिनी है। अपने इस वर्चुअल शादी की जानकारी दिनेश ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक वीडियो टीजर जारी करके दी थी। इस वक्त दुनिया में चल रही महामारी ने वर्चुअल वेडिंग करने पर मजबूर कर दिया है। दिनेश बताते हैं कि वो भारत के पहले इंसान बनना चाहते थे जो मेटावर्स के जरिए शादी करे। इसके अलावा तमिलनाडु में वीकेंड लॉकडाउन भी लगा हुआ है और मेरी शादी रविवार को होनी थी। ऐसे में मेटावर्स शादी की वजह से मेरे किसी दोस्त या रिश्तेदार को हमें आशीर्वाद न देने पाने का मलाल नहीं रहता। दिनेश ने आगे बताया कि मेरे ससुर का पिछले साल निधन हो गया था। हम चाहते थे कि वो भी हमारी शादी का वर्चुअल वर्ल्ड में हिस्सा बने और उसके जरिए आशीर्वाद दे। ये एक और सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से मैं और मेरी टीम ने उनका एक अवतार क्रिएट किया। इसमें सबसे बड़ी परेशानी थी कि किसी को भी मेटावर्स वर्ल्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मुझे मेटावर्स वेडिंग का आइडिया दिसंबर 2021 में आया और जनवरी के शुरुआत दिनों में मैंने और मेरी टीम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। चेन्नई की एक वेब एंड ऐप डेवलपमेंट स्टार्टअप कंपनी टार्डीवर्स ने इस काम में हमारी मदद की थी। टार्डीवर्स की शुरुआत दिसंबर में हुई, जो भारत की पहली मेटावर्स कंपनी बनना चाहती थी। वो टेडावर्स की मदद से भारत में मेटावर्स बना रहे हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत मेरी शादी से ही की। इस कंपनी ने शादी की प्लानिंग, इवेंट्स, रिश्तेदारों और दोस्तों को इनवाइट करना, कॉस्ट्यूम जैसे तमाम चीजों में हमारी मदद की। दिनेश ने आगे बताया, मुझे मेटावर्स के बारे में बेसिक जानकारी थी तो मैंने वेब डेवलपमेंट और अपने ग्राफिक्स के टीम को ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने शुरुआत में कुछ टॉप इंटरनेशनल कंपनियों से भी बात की जो पहले से ही क्षेत्र में मजबूती से काम कर चुकी है, लेकिन फिर मुझे लगा कि किसी इंडियन स्टार्टअप को ही ये करना चाहिए और मैंने टार्डवर्स को चुन लिया। मेरी शादी एक वीडियो गेमिंग की तरह थी। उन्होंने आगे बताया कि हम 6 फरवरी को पहले लीगल वेडिंग करने वाले कपल बने और उसके बाद हमारे दोस्त और रिश्तेदार मेटावर्स में हमें आशीर्वाद देने आए। इस इवेंट को आयोजित करने के लिए उनके पास एक बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन, एक डिवाइस चाहे वो मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप हो और एक वेब ब्राउजर की जरूरत थी। उन्हें एक लॉगिन या वॉलेट दिया गया जिसका नाम मेटा मास्क था। ये एक क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन वॉलेट थी। इसके लिए शादी में आने वाले इंसान को नाम और पासवर्ड डालना था। ये प्लेटफॉर्म एक की जनरेट करता है जो उन्हें वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाता। वहाँ वो अपना पसंदीदा कॉस्ट्यूम चुनकर अपना एक अवतार क्रिएट करते हैं। इस मेटावर्स इवेंट में लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाएं, हाथ मिला पाएं और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी दे पाएं और भी बहुत कुछ कर पाएं। अब आपको बताते हैं कि इसमें लगभग कितना खर्च होता है और ये क्या आम इंसान के लिए संभव है। मेटावर्स शादी से लोग अपने पैसे बचा सकते हैं। कंपनी बहुत सारे पैकेज ऑफर करती है जिसकी कीमत फिलहाल 20,000 रुपए से लेकर कुछ लाख रुपए तक होती है। ये आपके शादी में ऐड किए गए अवतार, कैरेक्टर्स और बाकी जरूरतों पर निर्भर करता है कि आपके कितने पैसे खर्च होते हैं। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट और जानकारी कैसी लगी, अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें इससे न्यूज़। धन्यवाद।